Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we will study your science book, open your science book, unit number 3. Unit number 3, sensitivity in living organisms, jandaron mein hassasiyat. Sensitivity in living organisms. All living organisms are sensitive to changes inside and outside their body. तमाम जानदार हसासियत रखते हैं बाहर और अंदर की जानिब अपनी बॉडीज में. Animals respond to changes in their environment by moving elsewhere. जानवर चेंज करते हैं अपना माहौल मूव करके elsewhere हर जगह पर. Plants respond to changes in their surroundings by moving their parts. पौधे चेंज करते हैं अपना माहौल सराउंडिंग के हिसाब से मूव करके अपने पार्ट्स को. इन सम पीपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज इन सम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमेबा ऐसे ही कुछ सादे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो एक सेल से मिलकर बने हों वो जानदार. सच एज जैसे कि अमेबा क्लाइमेडोमनस एंड एग्लिना दी साइटोप्लाज्म एज अ होल इज सेंसिटिव. ये तमाम पूरे ही सेंसिटिव होते हैं. दी आई स्पोर्ट्स इन एग्लिना एंड क्लाइमेडोमनस हेल्प देम टू डिटेक्ट चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी. आई स्पॉट एग्लिना और क्लाइमेडोमनस मदद करती हैं लाइट इंटेंसिटी को चेंज करने में. इनकी आँखें इनेबलिंग दैम टू मूव अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट. ये ज़्यादा दूर तक तेज रोशनी में मूव नहीं कर सकते इस काबिल नहीं होते. सम प्लांट्स आल्सो रिस्पोंड टू चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी. कुछ पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस करने में लाइट की इंटेंसिटी को. फॉर एग्जांपल जैसे कि द लीव्स ऑफ द ट्राइफोलियम प्लांट ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट. जैसे कि पत्ते और ट्राइफोलियम प्लांट खुलते हैं और बंद होते हैं लाइट के अमाउंट के मुताबिक. फॉलिंग ऑन देम जो उनके ऊपर पड़ रही होती है. सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच. कुछ प्लांट सेंसिटिव होते हैं छूने में. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट टच मी नॉट क्लोज वैन टच. जब इन्हें क्लोज किया जाता है तो ये टच हो जा जब इन्हें टच किया जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गेन्स. प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गेन नहीं होते. बट दे कैन सेंस लाइट. बट उनके पास सेंस होता है लाइट वाटर एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी को महसूस करते हैं. दे रिस्पॉन्ड बाई ग्रोइंग टू वर्ड्स हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू वर्ड्स हैं हर डायरेक्शन में और ग्रो भी करते हैं. द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ स्टिमुलस. एक्सटर्नल इफेक्ट्स की मदद से जो चेंजेस पैदा होती हैं उनमें और जो बिहेवियर पैदा होता है उन जानदारों में वो कहलाता है स्टिमुलस. द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्ड. और जो स्टिमुलस की मदद से जानदारों में रिएक्शन होता है वो कहलाता है रिस्पॉन्स. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. ऑर्गेनिजम्स में ये काबिलियत रिस्पॉन्ड करने की और स्टिमुलस ये सब कहलाता है सेंसिटिविटी. फॉर एग्जाम्पल लाइट इज अ स्टिमुलस. जो लाइट उस पर पड़ रही होती है वो स्टिमुलस होती है. द टर्निंग ऑफ द शूट टू वॉट लाइट इज अ रिस्पॉन्ड. और उसकी मदद से जो रिएक्ट हो रहा होता है वो रिस्पॉन्ड कहलाता है रिस्पॉन्स कहलाता है. सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट. प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट. प्लांट सेंसिटिव लाइट की हसासियत रखते हैं. वाटर एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी. वी कैन सी द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स.
हम देखते हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं मूवमेंट से, कॉल्ड ट्रॉपिज्म्स, और ये कहलाता है ट्रॉपिज्म्स। द रिस्पॉन्स टू बेंडिंग ऑफ द शूट टू वॉर्ड लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और ये शूट टू वर्ड्स लाइट, लाइट की हेल्प से जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ये कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। द रिस्पॉन्स इज नेसेसरी बिकॉज प्लांट्स नीड लाइट टू मेक फूड। इनका रिस्पॉन्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि प्लांट्स को ज़रूरत होती है लाइट की अपना खाना बनाने के लिए। दी शूट ग्रो टू वर्ड्स ए लाइट एंड द लीव्स टर्न देयर अपर सरफेस टू वर्ड्स। और ऊपर की जानेब सरफेस पर ग्रो करने के लिए उन्हें लीड होती है लाइट की। द बेंडिंग ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। और जो बैंड होता है रूट का जो ग्रो कर रहा होता है सॉइल मिट्टी के ऊपर टुवर्ड्स की तरफ, वो कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। जानवरों में हसासियत। एनिमल्स नीड टू सेंस चेंजेस इन दियर सराउंडिंग टू बी एबल टू सर्वाइव देयर एनवायरनमेंट। जानवरों को ज़रूरत होती है चेंजेस की अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, ताकि वो इस काबिल हो जाएं और सर्वाइव कर सकें अपने माहौल में। एनिमल्स कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। एनिमल्स चेंज करते हैं अपना टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी एंड सडन नॉइसेस। दीज चेंजेस और स्टिमुली बी फेल्ट बाय स्पेशल ऑर्गन विच मेक अप द सेंसरी ऑर्गन। इनमें स्पेशल ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं जो इन्हें बनाते हैं सेंसरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स। सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैन रिसीव ओनली जनरस स्टिमुली सच एज लाइट और डार्कनेस, हीट, कोल्ड। मोर डेवलप एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स में सेंस मौजूद होते हैं डार्कनेस, लाइट के, हीट के, कोल्ड और मोर डेवलप। एनिमल्स हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सिस्टम। और कुछ जानवर के पास बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सिस्टम मौजूद होता है, बाय विच दे जो के रिएक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग्स, जो कि उन्हें हेल्प करता है अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने में, इंफॉर्मेशन लेने में। दे आर एबल टू रिएक्ट टू रिस्पॉन्स क्विकली। और ये बहुत जल्दी इस काबिल होते हैं कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें टू दिस सेंसरी सिस्टम, इस सेंसरी सिस्टम की मदद से। अवर थर्ड टॉपिक इज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन डिटेक्ट साउंड। सेंस ऑर्गन के पास खास तौर पर डेवलप करने की सलाहियत होती है बॉडी के पार्ट्स को, विच कैन डिटेक्ट साउंड, जिसकी मदद से वो साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेंसरी सेल्स। सेंस ऑर्गन्स बने हुए होते हैं सेंसरी सेल से। सेल कैन रिस्पॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलस। एंड सेल जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं ओनली वन काइंड, एक किस्म के स्टिमुलस से। For example, a sensory cell detect करते हैं light waves, it cannot respond to sound wave, और वो sound wave से respond नहीं करते। The body has five senses, body में से five senses मौजूद होते हैं, hearing, smell, sight, taste and touch. All sense organs which send information to the brain, ये तमाम सेंस तमाम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं अपने दिमाग ब्रेन्स में, बॉडी के ब्रेन में। देयर आर स्पेशल पार्ट्स आउट दिस इंफॉर्मेशन, और ये बहुत ही ख़ास किस्म का हिस्सा है, जो पार्ट्स हिस्सा है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देन द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग, हियरिंग, फील्स। देन फिर ब्रेन जो है वो बताता है कि कहाँ, कि क्या हमें कहाँ पे सीन करना है, देखना है, हेयरिंग करना है और फील करना है। नाउ इट्स इनफ फॉर, थैंक यू।